ये जानवर बाहर बांधे हुए आज हमने। आज थोड़ा मौसम भी सही है, पिछले 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो बारिश भी बताई हुई है उन्होंने। हो सकता है दोबारा इनको अंदर बांधना पड़े। सारे आराम सुकून से बैठे हुए हैं, चारा शारा फजर के टाइम डाल देते हैं ना इन्हें, इसलिए आराम सुकून से बैठे हुए हैं सारे। ये सब गाय और ये उधर भैंसें बांधी हुई हैं, वो ये भैंसें बांधी हुई हैं, ये भी आराम सुकून से पट्टे जड़े खा के चारा खा के आराम सुकून से बैठी हुई हैं। ताकि मोरादार ये अकेला इधर बैठा हुआ है, इसकी मादी पता नहीं किधर गई है। उसने भी माशाल्लाह से 2 अंडे दे दिए। ये ट्रैक्टर है अभी, वो लेके जाने थे, वो दरख्त काटे थे ना, उनके पत्ते से लेके जाने थे घर, तो आज लेबर ही नहीं आई, मजदूर बोले वो थे, वो आज आए नहीं है। तो अबू जी बोल रहे थे ये ले आओ घर, वो भी इसको घर लेके जाना है, क्योंकि इधर बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इसलिए अबू जी बोल रहे थे ले आओ घर इसे, ऐमें बारिश में इधर ही खड़ा रहेगा। चलिए ये सब नर सारे माशाल्लाह से अकेले रह गए। इसकी जो है ये तरक्की की है, इसकी मादी बैठी हुई अंडों पे, और ये मुर्गा है ठीक है जी, इसकी तीनों मादियाँ बैठी हुई अंडों पे, और ये ऊपर मोर है, इसकी मादी अभी पता नहीं किधर घूम रही है वो। उसने भी माशाल्लाह से 1-2 अंडे दे दिए, एक अंडा तो उसका ज़ाया हो गया है, तो एक अंडा उसके अंदर ही पड़ा हुआ है अभी, वो 5-7 अंडे हो जाए ना उसके। ये तुर्की तो ये बैठी हुई है अंडों पे, इधर ही अंदर ये मोरनी का अंडा पड़ा हुआ है, एक ही पड़ा हुआ है ठीक है। एक वो छोटे डॉगी ने जाया कर दिया है, इधर ही दे रही है, इधर ही ये तुर्की बैठी हुई है, और इसके अंदर जो है जी इधर मोरनी अंडे दे रही है। हाँ ये भाई उस्मान ले के आए जी पैर एक, ठीक है जी, ये उड़ने वाले कबूतर, वो जो मुर्गी है ना, वो मुर्गी एक इधर बैठी हुई है, एक मुर्गी इधर अंदर बैठी है।